बरमूडा मैप पे कुछ ऐसे हिडन प्लेसेस जिसका यूज करके आप लोग भी ग्रैंड मास्टर पे जा सकते हो, वो भी बिना ग्लू वॉल का यूज किए। और इस वीडियो को देखकर जब अपने फ्रेंड्स को आप इस हिडन प्लेसेस के बारे में बताओगे तब उसका रिएक्शन भी कुछ ये रहेगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर कोई नया आया है तो सब्सक्राइब कर लेना। गाइस नंबर 1 पे आता है बरमूडा मैप का ये वाला प्लेस। इसमें मैच स्टार्ट होते ही आपको इस सामने वाले घर के ऊपर चढ़ जाना है, और इस जगह पे आ जाने के बाद आपको सिंपल जूम करके इसके ऊपर चढ़ जाना है। गाइस आपको बैलेंस बना के आराम से इसके ऊपर आ जाना है, यहाँ पर से आपको जंप करके हट के ऊपर चढ़ जाना है। लिटरली गाइस सच्ची बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको कोई भी नोटिस नहीं कर पाएगा। गाइस ये देखो, इसके ऊपर चढ़ने के बाद मैं सामने एक बंदे को देखता हूँ, मैं उसको मारता हूँ तो वो भी मेरे को मार देता है, और सामने वाला बंदा मेरे को रिवाइव कर लेता है। एंड मेरी मानो तो यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड को लेकर चढ़ना है, जिससे फायदा होगा कि वो आपको रिवाइव कर देगा। एंड ये देखो मैं ऊपर से सामने वाले को हेडशॉट भी मार दिया और यहाँ पर तीनों बंदे डाउन हो गए, सिर्फ एक ही बचा। और यहाँ पर आप लोग को एडवांटेज मिलता है कि आप ऊंचे जगह पर हो तो सामने वाले को हेडशॉट मार पाते हो। और सेकंड है बरमूडा मैप का ये वाला प्लेस जिसका नाम है कैप टाउन। एंड गाइस इस प्लेस में मैं आपको दो दो हिडन प्लेसेस बताऊंगा जो कि बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। हो सकता है इस प्लेस में जो मैं हिडन प्लेसेस आपको बता रहा हूँ उसमें से पहला वाला आप जानते हो, बट 100% कंफर्म है कि दूसरा वाला तो आप लोग नहीं जानते होंगे। गाइस पहला ट्रिक तो हमारा पुराने वाला ये जो कि इस घर के ऊपर चढ़ने वाला है। आप सोच रहे हो ग्लोबल के ऊपर तो हम चढ़ नहीं पाते, तो इसके ऊपर कैसे चढ़ पाएंगे? तो देखो गाइस हम लोग किस तरह जुगाड़ लगा के इसके ऊपर चढ़ पाते। मैं गलती से नीचे गिर गया था तो मैं फिर से ऊपर चढ़ जाता हूँ। ये देखो यहाँ पर किस तरह जुगाड़ लगा के एक बंदा बैठा है, उसके ऊपर चढ़ने के बाद जब हम लोग इसके ऊपर जंप करते हैं तो आप लोग इस तरह ग्लोबल लगा के ऊपर आ सकते हो। हाँ, इस ट्रिक को आप बिना फ्रेंड की हेल्प के नहीं कर सकते, इसलिए इसी प्लेस पे मैंने दूसरी ट्रिक निकाली है जो कि अभी आपको मैं बताऊंगा। तो तीसरे नंबर पे आती है हमारी इसी प्लेस पे ये वाली ट्रिक। इसके लिए आपको इसी घर के ऊपर आ जाना है, उसके बाद आपको आराम से इस कोने के साइड में आ जाना है और यहाँ से दौड़ लगा के आपको सामने जंप कर देना है। जंप करने के बाद आप लोग सामने इस घर के ऊपर आ जाओगे। लिटरली गाइस कोई भी बंदा आपको यहाँ पर नोटिस ही नहीं कर पाया कि यहाँ पर भी कोई बंदा है। देखो मैंने 150 का सामने वाले को डैमेज दिया, दूसरा 150 का डैमेज देते वो डाउन हो गया। एंड गाइस ये देखो सामने वाले घर पे एक और बंदा है, तो मैं उसको और 150 का देता हूँ। पहले यहाँ पर मेरा एम ही नहीं सेट हो रहा था। एंड गाइस वो झोपड़ी वाला बंदा आपको नोटिस नहीं कर पा रहा है कि मैं यहाँ से मार रहा हूँ, बट हाँ देखता है, लेकिन वो उकोंग बन जाता है, मैं उसको उकोंग को भी मार देता हूँ। ये देखो पीछे से जोन आ गया, मैं मैच निकाल पाऊंगा कि नहीं उसको मार के। एंड जोन में थोड़ा सा डैमेज खाता हूं, बट नीचे आने के बाद मैं उसको फिर से मार देता हूं। आप लोगों ने देखा इन ट्रिक्स का यूज करके मैं कितनी इजीली विक्ट्री ले रहा हूं, मतलब दो दो बंदे को अकेले मैंने मार दिया। नंबर 4 पे आती है बरमूडा मैप की फैक्ट्री वाली प्लेस। इसमें आपको गेम स्टार्ट होते ही राइट साइड चले जाना, यहाँ पर आपको एक टायर दिखेगा, फिर यहाँ पर जंप करने के बाद आप लोगों को ऊपर एक और टायर दिखेगा, इसके ऊपर से आप लोगों को जंप करके कुछ इस तरह आ जाना है। और उसके बाद आपको इस गोल कटोरे के ऊपर चले जाना है। यस गाइस अगर एक बार भी आप लोग इसके ऊपर आते हैं मैच आपका हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर कोई आपको बंदा नोटिस भी नहीं कर पाता, और आप लोग नहीं दो बंदे चढ़ जाओ तो ज्यादा बढ़िया होगा। जैसे मैंने अपने फ्रेंड को भी इसके ऊपर चढ़ा लिया, मैंने एक को हेडशॉट भी मारा, और बस इसी ट्रिक का यूज करके आप लोग ये फैक्ट्री वाला राउंड भी निकाल पाओगे। एंड गाइस नंबर 5 पे आता है हमारा क्लॉक टावर वाला प्लेस। गाइस मैं आपको दोनों तरफ का टिप्स एंड ट्रिक्स का प्लेस बताऊंगा। पहले मैं आपको इस तरफ का बताता हूँ, फिर आपको उस तरफ का बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग को सामने वाले सीढ़ी के ऊपर चले जाना है यहाँ से दौड़ के। आप लोग यहाँ पर जंप करके इसके ऊपर चढ़ सकते हो। यहाँ पर थोड़ा खतरा रहता है कि सामने वाला बंदा आपको मार दे, बट राइट लेफ्ट से अगर कोई बंदा आता है तो आप उसको मार पाओगे। अब देखो यहाँ पर रिवाइव होने के बाद मैं सामने वाले बंदे को डाउन भी कर देता हूँ। ओके गाइस अब 6 नंबर पे आता है हमारा ये वाला प्लेस। तो गाइस इस ट्रिक में आपको अपने एक फ्रेंड को लेकर जाना है, उससे ज्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी और आप इजीली ट्रिक कर पाओगे। आपको थोड़ी कोशिश करनी है, आपके फ्रेंड को बोलना है इसके ऊपर चढ़ जाना है, आप उसके ऊपर चढ़ जाओ, जूम करके अपने बंदे के ऊपर चढ़ जाना है, उसके बाद आपको जंप करना है, आप उसके ऊपर आ जाओ। अब देखो यहाँ पर अगर आप लोग बैठे रहोगे तो कोई भी बंदा आपको इजीली मार देगा, तो यहाँ पर आप लोग को सोच जाना। अब देखो मैंने इस कंटेनर को चूज क्यों किया कि ये कंटेनर थोड़ा ऊंचा है और ऊंचा जगह पर आप लोगों को ज्यादा कवर मिल पाता है, और सामने एक बंदा है मैं उसको डैमेज देता हूँ। क्या मर गया डायरेक्ट, मतलब लगता है शायद उसने वेस्ट हेलमेट नहीं पहन रखा। तो सामने एक और बंदी है, मैं उसको भी 150 का डैमेज देता हूँ, बट यार कोरोनो लगा के बच गई चिमकांडी। अब देखो यहाँ पर मैं क्या गलती करता हूँ, सामने वाली बंदी कोरोनो लगा लेती है, मेरे को उसको कोरोनो तोड़ के मारना चाहिए, बट मैं देखता हूँ सामने एक और बंदा है तो मैं उसको छाती पे मारता हूँ, 319 का डैमेज आता है, वो भी डाउन हो जाता है। आप लोगों ने देखा सामने दो दो बंदे खड़ा है, मेरे को देख नहीं पा रहे, मतलब नोटिस ही नहीं कर पा रहे कि बंदा आखिर मार किधर से। और हमारे 3 बंदे जिंदा है, सामने 2 ही बंदे जिंदा है, तो हम लोग रश करके उसको भी मार देते हैं, एक बंदा और डाउन हो जाता है, सिर्फ एक ही बंदा बचता है। एंड अब आता है हमारा लास्ट वाला ट्रिक जो कि 7th नंबर ट्रिक। इसमें आपको यहाँ पर आ जाना है। एंड इस ट्रिक को करने में आपको थोड़ा सा रिस्क रहेगा कि सामने वाला बंदा आपको मार ना दे, तो आप सारे प्लेयर को बोल देना कि सभी लोग मिलकर रश कर दो, और अगर आपको आसपास कोई बंदा दिखे तो पहले उसको मार देना, क्योंकि वो आपको ट्रिक करने नहीं देगा और पहले डाउन कर देगा। तो मैंने उसको एक डाउन कर दिया, अब सामने आपको दौड़ के सामने वाले गाड़ी के पास आ जाना। कोई कोई बंदे एक दो बार करते हैं और फिर बोलते हैं नहीं हो रहा है, यहाँ पर 3 बार आपको जंप कर रहे हैं, 1 बार 2 बार एंड जस्ट 3rd बार पे आप ऊपर चढ़ जाओगे। एंड ऊपर चढ़ने के बाद आपको जाके सो जाना। अभी देखो हम सिर्फ यहाँ पर 2 बंदे बचे हुए हैं, मेरा एक बंदा जस्ट कर चुका है, वो भी अभी थोड़ी देर में डाउन हो जाता है, मैं अकेला यहाँ पर बच जाता हूँ। यहाँ पर आप लोग को मैं एक बात बता दूं, आप लोग को जब भी यहाँ पर आना है अपने एक फ्रेंड को लेकर आना है गाइस, क्योंकि अकेले बचोगे तो आप लोग मार नहीं पाओगे, एडब्ल्यूएम रहेगा या कोई और गन रहेगा। तो मैं एक डाउन कर देता हूँ, यहाँ पर सिर्फ एक बंदा बचा। अब यहाँ पर देखो मैंने एक गलती किया कि यहाँ पर एक ही बंदा बचा है, मेरे को रश कर देना चाहिए था, बट वो सामने वाला बंदा एक बंदे को फिर से रिवाइव कर लेता है, और अब मेरे लिए ये मैच निकालना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। सामने वाला बंदा एक एयर ड्रॉप के पास आ जाता है, मैं उसको
जूम करके देख रहा होता हूँ कब निकलेगा बट वो निकलता ही नहीं। काफी देर के बाद निकलता है तो उसको 150 का डैमेज देता हूँ। दूसरा बंदा शायद मेरे को देख लेता है यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ पर गलती क्या करता हूँ, मेरे को थोड़ा सा और पीछे जाना चाहिए था बट मैं आगे रहता है, वो हेडशॉट मार के मेरा किल ले जाता है। तो जितने भी ट्रिक्स मैंने बताया आप लोग उसको फॉलो करके चेक करना। बरमूडा मैप के और भी हिडन प्लेसेस को जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 कमेंट करो। हाँ, इन सातों ट्रिक में से आपको कौन सा ट्रिक सबसे ज्यादा अच्छा और इजी लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलता हूँ आप लोगों से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।